इस वीडियो के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं प्रोफेसर राजेंद्र राजू भैया विश्वविद्यालय की नोटिफिकेशन है, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो 2020 शिक्षा प्रणाली लागू हुई है उसके संदर्भ में है। इसमें बताया गया है कि आप विषय यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आलोक में वर्ष 2021-22 में परीक्षा प्रणाली लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश एवं अकादमिक कैलेंडर का प्रेषण, यानी जो सामान्य यहाँ पर है लेकिन वो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं और जो अकादमिक कैलेंडर है किस प्रकार से प्रणाली में आपके जो है ये परीक्षा होने वाले किस प्रकार से मूल्यांकन होगा, आंतरिक मूल्यांकन किस प्रकार से होगा और आपका किस प्रकार से एग्जाम होगा, इन सारी विषयों के इसमें डिटेल में पूरा पीडीएफ में दिया गया है। तो इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी और शिक्षा संबंधी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल से आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो चलिए आगे इसको पूरी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए महोदय, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वर्ष 2020-21 में जो परीक्षा प्रणाली जो है लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश एवं अकादमिक कैलेंडर के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा संबंध महाविद्यालय में प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा की जो परीक्षा दिशा निर्देश एवं अकादमिक कैलेंडर संलग्न कर आवश्यक अनुपालन में कार्रवाई के उद्देश्य विद्यार्थियों को परिचित एवं जागरूक कराने के उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं। उक्त परीक्षा दिशा निर्देशों के अनुपालन के प्रक्रम में यदि किसी प्रकार की संशय दुविधा स्थित हो तो उसके संबंध विश्वविद्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई रेडियो सुनाई दे रहा होगा तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं जिनको किसी के भी कार्य से जो है कोई मतलब नहीं है, जो रात को 11:30 और 12 बज रहे हैं उस समय बजा रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। रत्न इस नोटिफिकेशन को आप देखिए जिसमें जो आपके लिए काम की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार शासन द्वारा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा कैलेंडर में जो प्रणाली लागू उसके दिशा निर्देश है, ये समस्त दिशा निर्देश 2020-21 के समस्त जो है स्नातक परास्नातक प्रवेशी पर लागू होंगे। वर्तमान समय विश्वविद्यालय वार्षिक पद को संचाय बी ए बीकॉम बी एस सी बी एल बी अन्य पाठ्यक्रम अध्यापक पूर्वत ही चलेगा। जो अभी जो इसमें जो है प्रवेश लिए हैं उनके लिए है परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था किस प्रकार से होगी, बी ए जो भी आपके जो है बी एस बी ए बी एल बी सारे हैं उनके वार्षिक पद्धति संचालित निर्दिष्ट अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा में मूल्यांकन पूर्वत वार्षिक पद्धति पर ही होगी, इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पूर्व की भांति सेमेस्टर प्रणाली से होंगी। सभी विषयों लिखित प्रायोगिक परियोजना मौखिक आदि के प्रश्न पत्र सौंप होंगे जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार परिवर्तित कर अंक पत्र तैयार किए जाएंगे। सभी विषयों प्रश्न पत्रों लघु शोध प्रबंध मुख्य परियोजना इंटरशिप एवं मौखिक को छोड़कर की परीक्षाएं 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा सी आई ई एवं 75% जो है आपका बाह्य मूल्यांकन होगा विश्वविद्यालय परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक सत्र वार्षिक सेमेस्टर के दौरान सतत आंतरिक मूल्यांकन 3 अवसर पर किया जाएगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक जो है 12.5 घंटे एवं कल जो है कालावधि जो होगी वो 1 घंटे की होगी। सैद्धांतिक विषयों में इन 3 आंतरिक विश्व मूल्यांकन में कम से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन में लिखित परीक्षण एवं तीसरा आंतरिक मूल्यांकन लिखित सेमेस्टर असाइनमेंट प्रस्तुत आज के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णात्मक प्रकार की होगी और आगे आपका जो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रायोगिक विषय होंगे जो आपके प्रायोगिक विषयों में भी 3 सतत मूल्यांकन होंगे तथा बाह्य परीक्षा 2 परीक्षक आंतरिक एवं बाह्य द्वारा संपन्न कराई जाएगी। जो आज प्रायोगिक होंगे उनमें 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन होंगे। इवैल्यूएशन का जो है सी आई ई टेस्ट फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट थर्ड टेस्ट ऑफ एनी टू टेस्ट और टोटल, तो पेपर फर्स्ट जो आपका जो है इसमें देगा 12:30 और इसमें देखिए दोनों का यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए। लघु शोध प्रबंध मुख्य परीक्षा परियोजना इंटरव्यू मौके आदि में सतत आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, इनकी परीक्षा 2 जो है परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पूरा जरूर देखिए। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है 3 आंतरिक मूल्यांकन में से सर्वश्रेष्ठ 2 मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन एवं बाह्य परीक्षण सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा उस पर प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को अनुपस्थित मानकर ए बी ग्रेड दिया जाएगा। ए बी का मतलब अपसेट ग्रेड दिया जाएगा, अर्थात विद्यार्थियों 3 आंतरिक मूल्यांकनों में से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन उपस्थित होना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप बाह्य परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपने दो में अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो आप जो है बाह्य परीक्षा में अनुपस्थित माने गए, विद्यार्थियों को उस प्रश्न पत्र में अनुपस्थित माना जाएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन उसी शिक्षक द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में उस प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य करा रहा है।
सत्तातांत्रिक मूल्यांकन युक्त प्रश्न पत्र का निर्माण एवं संबंधित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उस प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा किया जाएगा। सत्तातांत्रिक मूल्यांकन फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थियों को दिखाने एवं उसके संतुष्टि के उपरांत वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित संस्था द्वारा कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार इनका परीक्षण कराया जाएगा। लेकिन इस बार जो होगा तथा अंतिम मूल्यांकन, उसमें यह कॉपी दिया जाएगा, फीडबैक मांगा जाएगा और उसके बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी। सतत आंतरिक फीडबैक पर आधारित तो मूल्यांकन उत्तर को दिखाने की संतुष्टि रखी जाएगी। सतत आंतरिक मूल्यांकन के संदर्भ में संबंधित शिक्षक का निर्णय अंतिम होगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन में होने वाली समस्त व्यय को संबंधित संस्था ही वहन करेगी। आप लोगों को कुछ भी किसी प्रकार का देने की जरूरत नहीं है। तो सतत आंतरिक मूल्यांकन से ये जो चीजें हैं इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। साथ ही मूल्यांकन में समय सारणी विद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन में अंक द्वितीय अंक मूल्यांकन पूर्व द्वितीय के अंक तृतीय के पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक बाह्य मूल्यांकन के 15 दिनों पूर्व लॉग इन पे अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय लॉग इन के बंद होने के पश्चात अंक किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक सेमेस्टर के अंत में संपन्न कराई जाएगी। लिखित एवं प्रायोगिक एवं बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय पर 75 अंक होगी। लिखित परीक्षा के अलावा 2 घंटे और जो है अधिकतम 2 2000 की होगी। अधिकतम जो शब्द सीमा है यहाँ पर देखो 2000 की होगी। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाए जाएंगे। इसमें अति लघुत्तरी लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न पत्र जो है प्रश्न और प्रश्न पत्र प्रश्नों को दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को निम्नलिखित संख्या में प्रश्नों को हल करना होगा। तो आपको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है यहाँ पर देख लीजिए कि अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, वो सब जो आपको पता है। लेकिन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए, कुल अंक आप देख लीजिए 3 3 अंक और कुल शब्द जो है देख लीजिए और अधिकतम सब आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये चीजें हैं, इसमें से बताया गया है कि सह पाठ्यक्रम विषय परीक्षा एवं तृतीय वर्ष में लघु शोध परियोजना मात्र क्वालिफाइंग प्रकार की होगी। विद्यार्थी को 60% क्रेडिट अर्जित पश्चात ही अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60% क्रेडिट प्राप्त करने के साथ पुनः अगले सत्र में उसी वर्ष उसी सेमेस्टर में लेकर जो है अध्ययन करना होगा। तो आप जो है 60% जरूर ही आप ले लीजिएगा कि आपको 10 वर्ष इतना तो मिल ही जाए कि अगले में आप जो है प्रमोट हो जाए। संख्याओं को पाठ्य पूर्ण करने की अवधि में जिन विद्यार्थियों में 60% से कम होगा उसी संख्या में आपको स्नातक उपाधि होगी और जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं मिलेगी। यदि विद्यार्थी किसी एक संख्या में 60 प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे बैचलर ऑफ लिबरेशन एजुकेशन उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सके जिसमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यकता शर्त नहीं होगी। तो भाई आप अगर करना चाहते हैं तो जिसमें उसमें 60% तक का जो है आप ले लीजिए। ये सारी जो है ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार से आपको देना है तो इसमें देखिए आप ऊपर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग इतना देख नहीं पाते हैं ना समझ पाते हैं। वार्षिक सेमेस्टर में 6 ग्रेडिंग जिसमें 90 घंटे का जो है कार्यावधि होगी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और इसके बाद वार्षिक सेमेस्टर में इसमें आप तो देखिए 5 ग्रेडिंग और 75 घंटे कार्यावधि और उसके बाद आपका जो अगला सेमेस्टर 4 ग्रेडिंग और 60 घंटे। तो जैसे जैसे जितना कार्य प्रश्न पत्र उसके बाद उतना ही कम जो है आपकी कार्य अवधि होगा और जो प्रायोगिक पाठ्यक्रम होगा 60 घंटे का। उसके बाद आपका जो समस्त पाठ्यक्रम में जो पॉइंट की ग्रेडिंग प्रणाली है वो किस प्रकार से होगी तो आप देखिए पूर्व लेटर ग्रेड ओ जो है 10 पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग है जिसमें अंक सीमा 100 से 90 से इतना, ए प्लस में 9 है, ए में 8, बी प्लस में 7, बी में 6, सी में 5, पी में जो है पास, एफ में फेल और ए बी में आप एब्सेंट है। तो इन ग्रेड जो लेटर ग्रेड है इनको आप समझ लीजिए पाएंगे तभी आप समझेंगे कि कौन सा ग्रेड हमें मिला है। तो यहाँ से आप इसको जो है भली भांत प्रकार से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस समझ लीजिए, उसके बाद ये आप यहाँ पर SGPA इसकी गणना करना देख लीजिए और यहाँ ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इनको देख लीजिए। अब यहाँ हम लास्ट में देख लेते हैं कि सेमेस्टर जो आदमी कैलेंडर है वो इसके किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। जो फर्स्ट टेस्ट है आपका 11-11 शुरू हो रहा है, दूसरा टेस्ट आपका 16-12 से शुरू होगा और आपका जो तीसरा टेस्ट है वो 10-1-2022 से शुरू होगा और एंड सेमेस्टर एग्जाम इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम 24-1-2022 को। ये है आपका सेमेस्टर वाइज। उसके बाद आप जो एनुअल एनुअल वाइज है वो आपका किस प्रकार से है तो एनुअल वाइज आप देख लीजिए। यहाँ पर 13-9-2021 से छूट के रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो फर्स्ट है वो 22-11 से 30-11 तक है, सेकेंड आपका 17-1-22 से 22-1-22 और सेकेंड थर्ड जो टेस्ट होगा 7-3-21 से 12-3-22 से।
सात 3 22 से 12 3 2022, और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपका 25 4 22 से 21 5 2022। तो ये आपके जो है पूरे कार्यक्रम है, पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वीडियो को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।